नहीं, वो क्या है ना काकी जी, मैं बाहर जा रही थी ना, तो इसीलिए मैंने सब सामान फ्रिज में रख दिया है ताकि खराब ना हो। बस खाना परोसते समय मैं मसाला छाछ परोस दूंगी। तुम्हें छाछ बनानी आती है ना? जी। अब मैं क्या करूं? दूध की दही? मणि जी, एक काम करो, मुझे जरा फ्रिज से छाछ बनाने का सामान निकाल के दो। ठीक है। ये दही, और ये दूध। दोनों? हाँ, मुझे दूध में थोड़ा दही डालकर फाड़ना है क्योंकि मुझे पनीर बनाना है ना। आपको जितना जरूरत है आप ले लीजिए। क्या लूं, ये दूध या दही? इसी से पूछ लेती हूँ। मणि, जी नानी भाभी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, खाने का समय हो गया है, सबको बुला कर लाओ। जा, टफोड़ लोई पीनी नी। राशि भाभी, गैस बंद कर देना। हाँ मणि जी। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? आज का खाना तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आज का खाना मेरी गोपी वहू ने बनाया है। मैं बताती गई और उसने ठीक वैसे ही बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लो गोपी वहू, मटर की सब्जी तो परोसो अहम को। भात पिरस। मैं खुद ले लूंगा। राशि कहाँ है? बाबू किचन में होगी, मैं देख कर आता हूँ। नहीं चिकन, हमारे घर के मर्द रसोड़े में नहीं जाते। काफी समय से ऐसा ही चलता आया है, अब नई नई बातें क्यों करनी चाहिए, है ना बा? पानी में दूध डाल दूं या दही? उफ, अरे हाँ, क्या कहा था उसने? फटा हुआ दूध। हाँ वही होगा, फटा हुआ दूध तो है। शायद इसी से मसाला छाछ बनता होगा, इसीलिए तो बाकी सब हटा दिया और फटा हुआ दूध छोड़ दिया। यही होगा। राशि बाबू,
अब रसोड़े में क्या हो रहा है? खाना बन गया, सबने खा लिया, अब छाछ के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? लाई काकी जी, हरिपति हो गया। चौके देखती हूँ। राशि बाहू, काकी जी माफ कर दीजिए, जरा देरी हो गई, लेकिन वो क्या है ना, मैं यही चाहती थी कि मैं इतनी अच्छी मसाला छाछ बनाऊं कि आप सब लोग इसे हमेशा के लिए याद रखें। ये लीजिए आपके लिए। अरे क्या हुआ? कोई नहीं पिएगा इसे, पता नहीं इसमें क्या है। क्या है इसमें? कैसे बनाया ये? धनिया और पानी और फटा हुआ दूध है ना। हाँ क्या है ना काकी जी, मैंने टीवी पे देखा था मसाला छाछ बनाने का नया तरीका। चुप, बकवास बंद करो राशि बहू, सब समझती हूँ मैं। टीवी पर नया तरीका देखा है छाछ बनाने का, देख लिया मोटा भाभी? एक बात बताओ राशि बहू, तुम्हारे पीहर में छाछ नहीं बनती है क्या, या तुम्हारी माँ ने सिखाया ही नहीं है कि छाछ कैसे बनाई जाती है? ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें ढंग से आता है? एक काम बता दो, कोई भी एक भी नहीं ना। छाछ बनाना तो एक छोटे बच्चे को भी आता है। कोकिला धीमे धीमे सीखे जैसे। बस मोटा भाभी, हम यूं ही अपनी बहुओं की गलतियों पर पर्दा डालती रहेंगी ना, तो हमारी बहुएं कभी नहीं सीखेंगी। गोपी बहू जाओ रसोड़े में जाओ और छाछ बनाने का पूरा सामान लेकर आओ। अब आप देखना मोटा भाभी मेरी बहू कैसे छाछ बनाती है, तुम भी देखना ध्यान से। गोपी बहू जाओ। जी माँ जी। गोपी बहू चल शुरू हो जा। और राशि बहू तुम ध्यान से देखोगी कि छाछ कैसे बनाई जाती है। सरस, बहु सरस छाछ बनावी मारी गोपी बहु है। गोपी बहु मणि जी,
सबको छाछ चखा दो। जी राशि वो ये चख के देख लो और अब से तुम ऐसी ही छाछ बनाओगी। हो गया मणि, ये लो। मोटा भाभी ये है लिस्ट वो सारे कामों की जो तुम्हें करनी है। वो इसलिए कि तुम भूल ना जाओ और सारे काम समय पर हो इसलिए। और हाँ एक और बात, अगर तुम्हें कोई काम ना भी आता हो ना तो तुम किसी से भी पूछ सकती हो, ताकि छाछ बनाना नहीं आता ये बात छुपाकर तुमने जो गलती की और उसे छुपाने के लिए चार झूठ बोला ना, वो आइंदा से तुम्हें बोलना ना पड़े। इसलिए समझी गई?